हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नेम इज मैटर अराउंड अस प्योर। लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द पेज नंबर 15 क्वेश्चन आंसर्स। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, क्या समझते हैं आप प्योर सब्सटेंस से? देखिए क्या होता है प्योर सब्सटेंस, जिसके अंदर कोई भी चीज़ जिसके अंदर एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। और जो पार्टिकल्स होंगे उन सभी का जो केमिकल नेचर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। जैसे कि आप एग्जांपल देना चाहें यहाँ पे प्योर सब्सटेंस के, तो जितने भी एलिमेंट्स आपके 118 एलिमेंट डिस्कवर हैं वो सारे प्योर सब्सटेंस के अंदर काउंट होते हैं। और जितने भी कंपाउंड्स हैं लाइक NaCl, CaCl2, जितने भी आपने फॉर्मूला सीखे हैं 9th क्लास में, वो सारे क्या हैं, कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स हैं। मीन्स कंपाउंड आपके क्या हैं, प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में काउंट होते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल बताइए, तो आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आप कोई भी एग्जाम्पल वहाँ पे आराम से दे सकते हैं। तो क्या बताया हमने, प्योर सब्सटेंस को बोलते हैं जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। होमोजीनस और हेट्रोजीनस जो मिक्सचर्स हैं उनके बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए होमोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं, जब आप दो सब्सटेंस को मिक्स करते हो, मीन्स सोल्यूट और सोलवेंट को जब आप मिक्स करते हो, तो मिक्स होने के बाद जो आपके पास जो सोल्यूशन रेडी होगा, जो मिक्सचर रेडी होगा, उसको आप कहीं से भी उठा लीजिए, हर जगह पे क्या होगी, जो सोल्यूशन है, जो मिक्सचर है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपने क्या लिया, वाटर ले लिया, और वाटर आपने मान लिया कंटेनर में आपने वाटर ले लिया है, उसके अंदर आपने क्या मिक्स कर दिया है, सोल्ट, लाइक आपने NaCl मिक्स कर दिया, और यहाँ पे आपने क्या लिया, वाटर, H2O लिया है। तो जैसे आप पानी के अंदर NaCl मिक्स करेंगे, मिक्स होने के बाद जो आपको सोल्यूशन नज़र आएगा वो हर जगह से एक जैसा ही होगा। आप पानी का टेस्ट ऊपर से कीजिए, नीचे से कीजिए, बीच में से कहीं से भी आप वाटर लीजिए, वहाँ पे हर जगह पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगी NaCl और वाटर की वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो और जो एक और एग्जांपल आप याद रखेंगे, यहाँ पे जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं उनकी जो फेज होती है ना, सोल्यूट सोलवेंट मिक्स करने के बाद एक ही फेज रहती है, और हेट्रोजेनस में फेज क्या होती है, अलग अलग फेजेस आपको नज़र आती हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका क्या है, आपका वाटर इन शुगर और आपका है कॉपर सल्फेट इन वाटर। ये सारे एग्जांपल किस चीज़ के दिए हुए हैं, यहाँ पे आपके यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन के बाद जो आपका होमोजेनस मिक्सचर बनता है उसके एग्जांपल दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर में जो कॉम्पोजिशन होगी आपके मिक्सचर की, वो हर जगह से सेम नहीं होगी, कहीं पर आपका सोल्यूट ज़्यादा होगा, कहीं पर सोलवेंट की अमाउंट ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने मिक्स किया है NaCl, जिसको हम कॉमन सोल्ट बोलते हैं, नमक प्लस आयरन फिलिंग, आयरन के पाउडर को आपने मिक्स कर दिया है, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो जो आपके पास मिक्सचर रेडी होगा वहाँ पे आयरन फिलिंग की कंसंट्रेशन कहीं पे ज़्यादा होगी, कहीं पे सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो ये एग्जांपल हुआ आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर्स का। दूसरा एग्जांपल आपका सोल्ट एंड सल्फर, जब सोल्ट और सल्फर को आप मिक्स करते हो तो यहाँ पे भी कॉम्पोजिशन कैसी होगी आपकी, नॉन यूनिफॉर्म। वाटर इन ऑयल तो आपने देखा ही है, जैसे हमने ले लिया पानी, ले लिया एक कंटेनर के अंदर, और पानी के अंदर हमने क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया, तो पानी तो आपका कहाँ होगा, नीचे, और ऊपर जो लेयर आएगी वो किसकी आ जाएगी, आपकी ऊपर लेयर ऑयल की, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होती है, और वाटर भारी होगा तो वाटर कहाँ होगा आपका, नीचे होगा। क्या यहाँ पे जो आपने दो सब्सटेंस मिक्स किए हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स हैं, वो प्रॉपरली मिक्स हैं, नहीं है, ऑयल की लेयर अलग है और वाटर की लेयर क्या है, अलग है, फेजेस अलग अलग हैं, यहाँ पे कंपोजिशन भी सेम नहीं है और फेजेस भी सेम नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका पेज नंबर 118 से, इसमें भी आपको यही क्वेश्चन दिया गया है, होमो और हेट्रोजीनस मिक्सचर्स, इनमें आपको ना एग्जांपल के साथ आपको और अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट करके बताना है। तो देखिए एग्जांपल अभी हमने कर लिए थे, जो दो तीन एग्जांपल यहाँ पे किए थे, एक तो अभी हमने किया था सोल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, कॉपर सल्फेट इन वाटर, होमोजीनस कैटेगरी के सारे एग्जांपल थे ये। और एग्जांपल क्या है, अगर आप आयोडीन को अल्कोहल में डालते हो वो भी होमोजीनस मिक्सचर होगा। एलोइज क्या होता है, एक होमोजीनस मिक्सचर होता है दो मेटल्स का, या फिर मेटल और नॉन मेटल का। तो मेटल तो आपकी होगी होगी, किसका मिक्सचर, मेटल का मेटल के साथ, या फिर मेटल का मिक्सचर नॉन मेटल के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सचर का एक एग्जांपल। जैसे आपने देखा होगा ब्रास, ब्रोंज, आपका ये सारे क्या है, सिल्वर, सिल्वर भी कैसा, जर्मन सिल्वर, ये किसके एग्जांपल है आपके,
एलोइज के, इनकी कॉम्पोजिशन क्या रहेगी पूरे मिक्सचर के अंदर सेम रहेगी। नेक्स्ट है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, आपने दो तीन एग्जांपल अभी किए थे लाइक सोडियम क्लोराइड किया था अभी आपने इन वाटर, सॉरी चॉक पाउडर इन वाटर, ऑयल इन वाटर, सोल्ट एंड सल्फर, आयरन फिलिंग एंड सोडियम क्लोराइड एंड व्हीट फ्लोर इन वाटर। जब आप आटे को किसके अंदर डालोगे, पानी के अंदर डालोगे, तो उसकी जो कॉम्पोजिशन होगी वो क्या रहेगी, सेम नहीं रहेगी। वाटर एंड मिल्क आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। तो ये था आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू आपका, हाउ आर सोल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये तीनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। देखिए सोल और जो आपका सस्पेंशन है वो तो है आपके एक तरह से हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कैसे मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जो सोल्यूशन होता है वो आपका कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस। जब भी आपको होमोजीनियस का एग्जाम्पल याद रखना है तो आप वाटर प्लस NaCl, वाटर प्लस आपकी शुगर, ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या होता है, पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। यहाँ पे जो मिक्सचर होगा आपके पास सोल्यूट पार्टिकल्स का सॉल्वेंट के साथ, वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा। और अगर हम इसके अंदर लाइट डालेंगे तो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। और एग्जांपल देखिए, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, आयोडीन इन एल्कोहल और एलोइज, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, होमोजीनियस मिक्सचर के। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल और साथ में डेफिनेशन देखिए, इसमें क्या होगा, इस मिक्सचर के अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट कांट बी सीन विद द नेक्ड आई। पार्टिकल का साइज इतना होगा कि हमें नेक्ड आई से नज़र नहीं आएगा और वो हमें लगेगा कि वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मिक्सचर के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर की फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि मड हो गया आपका, या फिर सोयल प्लस वाटर हो गया आपका, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया आपका। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल, आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। सस्पेंशन के लिए आप यहाँ पे किसको याद रखेंगे, वाटर प्लस सोयल। सस्पेंशन आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इन मिक्सचर्स के अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनको हम आराम से नेक्ड आई से देख सकते हैं। देखा भी होगा आपने, कई बार पानी के साथ मिट्टी आ जाती है तो मिट्टी क्या होती है, कुछ टाइम के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाती है और मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वाटर के अंदर हमें अलग से घूमते हुए नजर आते हैं। ये टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, कोलोइड्स शो करते हैं सोल्यूशन, और आपके सस्पेंशन सोल्यूशन शो करते हैं। और जो आपका ट्रू सोल्यूशन है वो कभी भी आपका टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। तो यहाँ पे सस्पेंशन के लिए एग्जांपल आपका क्या रहेगा, सस्पेंशन के लिए तो चाक पाउडर प्लस वाटर और व्हीट फ्लोर एंड वाटर। तो सस्पेंशन भी आपकी हेट्रोजीनियस कैटेगरी के अंदर ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। देखिए न्यूमेरिकल आपका, यहाँ पे आपको ना क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन निकालनी है। तो कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोलवेंट इंटू 100। क्या है फॉर्मूला आपका, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोलवेंट इंटू 100, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालने तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए सोल्यूट का मास आपको दिया गया है, NaCl है ना सोल्यूट आपका 36 ग्राम, और मास ऑफ सोल्यूशन के लिए आपको सोलवेंट प्लस सोल्यूट का मास आपको ऐड करना पड़ेगा। सोल्यूट का मास है 36 और सोलवेंट का मास कितना आपका 100, तो टोटल मास कितना हो गया सोल्यूशन का आपका 136। फॉर्मूले के अंदर सोल्यूट के मास की वैल्यू रखिए 36 और सोलवेंट के मास की वैल्यू रखिए और 100 से उसको कर दीजिएगा मल्टीप्लाई। तो जो इसको सोल्व करने के बाद आएगा 26.4%, वो क्या है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 24 से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। देखो जब भी आपका डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तब वहाँ पे आप कौन सा मेथड लगाएंगे, एक तो होता आपका डिस्टिलेशन मेथड, एक होता आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो यहाँ पे आपका मेथड अप्लाई होगा सेपरेशन के लिए, डिस्टिलेशन मेथड। और जो दोनों लिक्विड है वो कैसे हैं, एक दूसरे के अंदर मिसिबल है। तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, डिस्टिलेशन प्रोसेस करना है, और डिस्टिलेशन प्रोसेस से आप क्या कर लेंगे, पेट्रोल और केरोसिन को सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका कंडेंसेशन चलता है, कूलिंग चलता है आपका, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उस लिक्विड को जल्दी से बॉइल होके और वो जल्दी से आपका कंडेंस होके और आपके पास दूसरे कंटेनर के अंदर क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगी उसकी, आपको मिल जाएगा।
तो इसमें हम एक डिस्टिलेशन फ्लास्क यूज़ करते हैं। देखिए क्या है इसकी थ्योरी, डिस्टिलेशन फ्लास्क यूज़ करेंगे, वहाँ पे एक थर्मोमीटर फिटेड होगा आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर। इसके लिए हमें एक बीकर की जरूरत पड़ेगी, एक वाटर कंडेंसर की जरूरत पड़ेगी, एक बंसन बर्नर की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आपको फिगर में अपरेटस दिखाया गया वैसे आपको अरेंज कर देना है। मिक्सर को आपको धीरे धीरे क्या करना है, गर्म करना है, और आपको थर्मोमीटर पर अपनी नज़र बनाए रखनी है, क्योंकि आपको यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को ध्यान रखना है दोनों, जो भी आपके मिक्सर्स हैं, जो भी आपके ऑयल हैं उनका। तो देखिए, एक तो है आपको केरोसिन, केरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो जल्दी से वेपर बनाएगा और वो कंडेंसर के अंदर जल्दी से कूल हो जाएगा। और केरोसिन आपका जो कंडेंसर का आउटलेट है यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है वहाँ पे आपको क्या होगा, इकट्ठा होके आपको जो भी बीकर रखा हुआ नीचे वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप जो भी आपके दो, आपने जो भी सॉल्यूशन बनाया है दो लिक्विड से जो कि मिसिबल थे, उसको आप सेपरेट कर सकते हो। सो मेथड नेम इज डिस्टिलेशन। नेक्स्ट आपको टेक्निक्स के नाम बताने हैं। बटर को कर्ड से अलग करना है, सोल्ट को सी वाटर से अलग करना है, कैम्फर को सोल्ट से अलग करना है। देखो, बटर को जब आपको कर्ड से अलग करना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ करते हैं हम, और नमक को पानी से अलग करना है तो इवेपोरेशन मेथड यूज़ होता है, और कैम्फर को सोल्ट से अलग करना है तो कैम्फर की प्रॉपर्टी होती है सब्लिमेशन शो करने की, तो सब्लिमेशन प्रोसेस से उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स इज सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन से हम किस तरह के मिक्सचर को अलग करते हैं। देखिए, क्रिस्टलाइजेशन जो आपका मेथड है उससे हम क्या करते हैं, जो इम्प्योर सॉलिड है उसको हम प्योरीफाई करते हैं। क्या करते हैं, इम्प्योर सॉलिड के अंदर जो भी आपकी डिजोल्व और जो आपकी अनडिजोल्व जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जैसे कि हम जो सोल्ट ऑब्टेन करते हैं सी वाटर से, उसको प्योरीफाई करने का जो एक मेथड आपका वो क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। सेम दूसरा एग्जांपल यहाँ पे फिटकरी का दिया गया है, जिसको भी हम एलम बोलते हैं। एलम को उसकी इम्प्योरिटी से अलग करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको यहाँ पे चेंजेस के नाम बताने हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर ये भी आपका कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, देखो केमिकल चेंज तब होगा जब कोई नई चीज़ बनेगी, कोई नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी, वरना आपका फिजिकल चेंज ही होगा। तो रस्टिंग में एक नई चीज़ बन रही है, रस्ट फॉर्मूला अलग हो जाएगा ना उस आयरन से, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, ये आपका फिजिकल चेंज है, क्योंकि बॉइलिंग करने के बाद वाटर वाटर ही होगा, स्टीम स्टेट चेंज हो चुकी है उसकी, लेकिन है तो वो वाटर ही ना। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन द हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये केमिकल चेंज होगा आपका। डिजोल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर, ये आपका फिजिकल चेंज है। फ्रूट सैलेड बनाना रो फ्रूट से, जैसे एप्पल को, एप्पल काट लिया आपने तो काटने के बाद वो एप्पल ये कोई नई चीज़ थोड़ी ना बनी है वहाँ पे, तो फिजिकल चेंज है। बर्निंग कहीं पे भी आ जाए तो आप उसको केमिकल चेंज मार्क करेंगे। बर्निंग ऑफ पेपर, वुड, कोल, वैक्स, कुछ भी आपका आता है बर्निंग वर्ड जहाँ पे भी आ जाए तो आपको क्या लिखना है वहाँ पे, केमिकल चेंज। ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, इसमें से जो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर है उसको आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो देखिए, प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आएगा आपका, पहले हमारा क्वेश्चन ही फर्स्ट ये था, प्योर सब्सटेंस वाटर एक आपका कंपाउंड है, एक मोलिक्यूल है आपका। तो सोल्ट फॉर्मूला फिक्स है, कोई भी सोल्ट है, शुगर फॉर्मूला फिक्स है आपकी शुगर का, तो ये सारे क्या प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में क्या क्या आएगा आपका, पानी और आपने उसको नमक को ऐड कर दिया है, मिट्टी है, आपकी एयर है, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती है ना, तो वो एक मिक्सचर है आपका। वुड एक मिक्सचर है, कोल्ड ड्रिंक एक आपका मिक्सचर है, उसमें पानी ऐड है, शुगर ऐड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड है। रबड़, स्पॉन्ज, फॉग, मिल्क, बटर, क्लोज, फूड, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, मिक्सचर्स के एग्जाम्पल हैं।